Once again, welcome back to the channel. You are with शिवांगी रंजना. कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे. तो गाइज अभी मैं रेडी हूँ. देखो अभी मैं जाने वाली हूँ बाहर. आज मैं दिल्ली में हूँ. टुडे इज 18th of September. कल मैं आई हूँ पटना से दिल्ली. आप ये ब्लॉग पहले देख ही लिए होंगे. तो अभी मैं मॉल जाऊँगी. कौन से मॉल जा रही हूँ आप हमारे साथ बने रहोगे, बिल्कुल पता लग जाएगा. और क्या लेने जा रही हूँ, कुछ डॉलर एक्सचेंज वगैरह का भी काम है, वो सब भी करना है. तो अभी तो मैं फिलहाल भाई के फ्लैट पर ही हुई है. देखो अभी यहाँ से निकलूँगी मैं. मॉर्निंग का टाइम है, 11 o'clock मॉर्निंग हो रहा है. तो यहाँ से अभी निकलूँगी. 11 नहीं, मैंने लेट कर लिया. 11:30 हो चुका है. तो मैं अभी यहाँ से निकलती हूँ. चलो आप हमारे साथ. देख रहे हो वहाँ से सिक्योरिटी चेकिंग करके इधर से मैंने टोकन लिया और अब आगे प्लेटफॉर्म की तरफ जा रही हूँ. इधर मैं अभी जा रही हूँ मॉल. कौन से मॉल जाऊँगी अभी रिवील नहीं करूँगी, आप खुद ही देख लोगे. तो चलो आप हमारे साथ, शायद कोई मेट्रो आ गई है, उधर ही चलते हैं. गाइज मैं एलिवेटर से आ ही रही थी तब तक मेट्रो निकल गई. मैंने आपको दिखाया ना, कोई नहीं थोड़ी देर वेट कर लूँगी, 2 मिनट में फिर दूसरी मेट्रो आ जाएगी. तब तक मैं यही वेट कर रही हूँ. यहाँ पे देखो वॉच भी लगा रखा है. टाइम क्या हो रहा है, 11:30. तो मैंने घर ही कर लिया था. उसके बाद आपसे बात करने के बाद शूज वगैरह पहनी फिर मैं आई. सो गाइज मैं मेट्रो में बैठी हुई हूँ और यहाँ अभी एक अगले स्टॉप पर रुकी थी. यहाँ से अभी मेट्रो निकल रही है तो थोड़ा स्लो आगे जाकर फास्ट हो जाएगी. तो बाहर का व्यू मैं आपको थोड़ा दिखा रही हूँ और चलो थोड़ा इंजॉय. गाइज तो मेट्रो जा रही है, मैं मेट्रो से बाहर निकल गई हूँ. तो जा रही हूँ मैं मेट्रो स्टेशन पर ही हूँ. नीचे रोडवेज आप देख सकते हैं, इधर से गाड़ियाँ जा रही हैं और नीचे गाड़ियाँ जाती हैं, ऊपर मेट्रो का बना हुआ है. देख सकते हो ये मेट्रो का पूरा पिलर है. फिलहाल मैं अभी रिक्शा पर बैठी हुई हूँ. मैं आपको दिखाती हूँ. मेट्रो स्टेशन से बिल्कुल 100 मीटर पर ही मॉल है, बहुत ही नज़दीक है. फिर भी गर्मी की वजह से मैंने रिक्शा ले लिया. तो मैं पहुँच चुकी हूँ पैसिफिक. गाइस तो मैंने आपको दिखा दिया, मैं पैसिफिक मॉल सुभाष नगर में जो है वो आई हूँ, जो कि इस साइड है और इधर भी है, आप देख सकते हो. तो अभी मैं अंदर की तरफ जाती हूँ, इन करती हूँ, फिर जो भी शॉपिंग करूँगी आपको देखने को मिल जाएगा. इन करते ही फॉसिल का शोरूम दिख गया. यहाँ पर मेरे भाई का वॉच का कुछ काम है, उसने बोला था कि किसी भी मॉल में मिल जाएगा, तो इन करते ही मिल गया. चलो अभी बहुत खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा. तो पीछे फॉसिल का शोरूम ग्राउंड फ्लोर पर था, मैं गई थी बट यहाँ पर वो नहीं करते. एम्बियंस मॉल जो गुड़गांव में है वहाँ का, उन्होंने बताया कि वो हैंड टू हैंड चेंज करके दे देंगे, उन्होंने यही बोला. चलो वहाँ तो अभी जाऊँगी नहीं मैं, अब वो खुद करवा लेगा, है ना. सो गाइस ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही बड़ा मॉल है. मैं जब यहाँ रहती थी, जनकपुरी वेस्ट में रहती थी, आकाश में जब मैं पढ़ती थी, तो इस मॉल में मैं अक्सर आया करती थी. मुझे बहुत अच्छा लगता था. आज फिर से मैं आई हूँ, 2 साल बाद आई हूँ, क्योंकि 2 साल पहले इंडिया आई थी तो भी आई थी, आज फिर से आई हूँ. चलो और भी इंजॉय करते. गाइज तो अभी मैं मॉल के टॉप फ्लोर पर हूँ. यहाँ फूड कोर्ट एरिया है, आपको सामने हल्दीराम्स दिख रहा होगा, KFC एंड ऑल है यहाँ पर. अब मैं आ चुकी हूँ लाइफस्टाइल के शोरूम में. यहाँ से मुझे जो भी कुछ अच्छा लगेगा मैं ले लूँगी. गाइज के पीछे देखो लाइफस्टाइल का शोरूम है, वहाँ से मैंने एक टॉप लिया है, ट्यूब टॉप लेना था वही लिया है. अभी आगे जाती हूँ दूसरे शोरूम में, देखती हूँ कुछ अच्छा लगेगा तो वो भी लूँगी. तब तक आप हमारे साथ मजे करो. अब मुझे ज़ारा का शोरूम दिखा तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ भी कुछ देख लेती हूँ, मे भी मुझे कुछ अच्छा लगेगा तो ले लूँगी. तो अभी मैं यहाँ देख रही हूँ बट मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा. गाइस तो मैंने इसमें थोड़ा बहुत खाने पीने का चीज़ की, पूरी चिप्स, भुजिया एंड ऑल, और एक बॉक्स लिया है भुजिया रखने के लिए, तो ये ले लिया. अभी मैं जाती हूँ आगे. स्पार जो है ना वो यहाँ पर है, स्पार है, तो यहाँ से ही लिया है मैंने. फ़िलहाल मैं बिलिंग काउंटर के पास आई हूँ और इधर जो भी सामान लिया है उसका बिल करवा लेती हूँ. फिर मुझे तो कोई ड्रेस मिला नहीं, बस एक टॉप ही जो मुझे लेना था लिया, बाकी मुझे अच्छा नहीं लगा.
जैसा मैं ढूंढ रही थी वैसा मुझे मिला नहीं, तो क्या ही। फिर मैं सोची चलो दूसरे मॉल में कल अगर मौका मिलेगा तो देख लूँगी। गाइज़ यहाँ बाहर तो इतनी गर्मी है पूछो मत। मैं फ़िलहाल आ गई हूँ फ्लैट पर, थोड़ा बहुत ही शॉपिंग करा। लाइक मैंने जो आपको दिखाया था स्पार से खाने पीने का आइटम, एक भर के लाई बैग एंड एक टॉप लिया था लाइफस्टाइल से, और मैं देख रही थी मुझे जो चाहिए था वैसा मिला नहीं था। मे बी नेक्स्ट डे दूसरे मॉल में जाऊंगी। आज इवनिंग को मे बी निकलूँ, मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं जाऊंगी ही, बिकॉज बाहर तो यहाँ इतनी गर्मी होती है ना। अभी घर से निकलकर मैं मेट्रो से गई थी, मेट्रो पास में ही था बट मैंने ऑटो कर लिया था बिकॉज चल नहीं सकती थी मैं इसी वजह से। तो देखती हूँ अगर मैं जाती हूँ तो ठीक, नहीं तो मे बी मैं कल जाऊँ। फ्यू मोमेंट्स लेटर तो गाइज मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि मैं क्या ऑर्डर करूँ, बिकॉज आज मैं नॉनवेज खाऊंगी नहीं तो मैं कुछ वेज ही ऑर्डर करूँगी। और इधर देखो भैया ने मोमोज़ बना कर रखा है, यहाँ का मोमोज़ बहुत फेमस है बट मैं नॉनवेज मोमोज़ खा नहीं सकती और मैंने ऑर्डर दे दिया है, तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा क्लिप अपना ऐड कर रही हूँ। अब देखो हमारा ऑर्डर रेडी होके आ चुका है, वेज और नॉनवेज दोनों मैंने लिया है बिकॉज वेज मैं खाऊंगी और नॉनवेज भाई के लिए मैंने पैक करा लिया है। तो देखो गाइज मैं क्या लेकर आई हूँ, अपने लिए लाई हूँ मैं पनीर चिली है ग्रेवी वाला, और इधर वेज फ्राइड राइस। आज सैटरडे है तो मैं वेज ही खाना खाऊंगी सो, और उसके लिए इधर नॉन वेज ला दी हूँ तो उसका उधर छोड़ दिया है मैंने, और मैं ये खा लेती हूँ अब जल्दी से। 2000 years later. ये क्लिप मेरा भाई रिकॉर्ड किया और मुझे पता भी नहीं था। गाइज तो मैं रूम से बाहर आ गई हूँ, अभी भाई अंदर ही है आ रहा है, मैं यहाँ पर तब तक वीडियो शुरू करती हूँ। आई थिंक आप लोगों को पता होगा डीटीसी बस वुमेंस के लिए फ्री है, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही जा रही हूँ। मैंने सोचा चलो थोड़ा बस में भी इंजॉय कर लूँ, तो अभी बस से जा रही हूँ मैं। गाइस तो अभी मैं वीमार्ट में, यहाँ से हमने खाने पीने एंड कुछ एसेंशियल चीज़ें घर का ख़रीदा है, ब्रो अभी लाइन में लगा हुआ है बिलिंग कराने के लिए। मैंने सोचा थोड़ा ब्लॉगिंग कर लूँ पीछे से, आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। अब मैं दूसरे शॉपिंग सेंटर में आई हुई हूँ, मैं देख रही हूँ तो कुर्ती का पूरा सेक्शन है बट मुझे यहाँ से तो कुछ लेना नहीं है, यूं ही एक बार राउंड लगा रही हूँ। Few moments later. Guys, तो यहाँ का मोमोज बहुत ही यमी होता है, यहाँ पे बना रखा है चाइना टाउन, एकदम चाइनीज आइटम एक से बढ़कर एक। जो डीटीसी बस है यहाँ महिलाओं के लिए फ्री सेवा है, और मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग को यही एंड कर दूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट ब्लॉग आपको ट्रैवलिंग दिखेगा न्यू दिल्ली से दोहा की जर्नी और मे बी यूक्रेन तक की, देख पाती हूँ कहाँ तक मैं बना पाती हूँ। अगर ज़्यादा बड़ा वीडियो होगा तो दोहा तक, शॉर्ट रहा तो यूक्रेन तक। तो बाय बाय, सी यू सून, और आप लोग ब्लॉग को लाइक करना और जो भी सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना। बाय बाय, हाथ मेरा बिजी है इसीलिए मैं हाथ से बाय बाय नहीं कर सकती। घर पर तो मैं बहुत पहले आ गई थी बट मैं आपको अभी कुछ दिखाने चल रही हूँ। बालकनी में चल रही हूँ, डोर ओपन कर रही हूँ मैं अभी बालकनी का, तो ये देखो सामने वाले बिल्डिंग पर ध्यान से देखना, सामने वाला जो बिल्डिंग है देख रहे हो, कुछ दिखा आपको? ये देखो पिकॉक है, यहाँ पर पिकॉक हमेशा आता है, मुझे नहीं पता भाई ने बताया था, मेरे को लगा कि शायद इस घर वालों का होगा बट नहीं, ये यूं ही आता है। तो मैंने आपको भी दिखा दिया, फोटो ली हूँ। कैसा लगा आप लोगों को ब्लॉग? अच्छा लगा तो कमेंट करना और लाइक करना।